रॉबिन का फोन मॉम के पास क्या कर रहा था, और जब मैंने उनसे पूछा तो वो मुझसे नाराज हो गई, मुझे डांटने लग गई। आई डोंट नो व्हाई दी, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है थिया। ऐसा ही है। आप जानती हैं, अनिका 65 गुलमोहर रोड गई थी, क्योंकि जब अनिका ने रॉबिन को कॉल किया तो मॉम के असिस्टेंट ने वो फोन उठाया, और उस वक्त मॉम वहीं थी। और अब आप मुझे बताइए कि मॉम इस घर में क्या कर रही थी, और उन्होंने रॉबिन का फोन क्यों उठाया? तुम अनिका की बात पे भरोसा कर रही हो? उस अनिका पे जिसे अपना होश नहीं है। एटलीस्ट वो मेरी प्रॉब्लम समझती है, मेरा पेन समझती है। पागल मत बनो टिया, अनिका नहीं जानती कि रॉबिन मर चुका है। एटलीस्ट तुम तो जानती हो कि रॉबिन मर चुका है और कभी वापस नहीं आ सकता। गॉड से रॉबिन को भूलकर शिवाय पे कंसंट्रेट करो। इनफैक्ट अब अनिका को यूज करो शिवाय के करीब आने के। गॉड से थी, मैं शिवाय से प्यार नहीं करती और ना ही कभी किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ रॉबिन से प्यार करती हूँ। जस्ट शराब। किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कुछ ठीक नहीं है। मैं अपने पति परमेश्वर को बच्चा नहीं दे सकती। टिया को दुष्यंत से दूर होना पड़ता। मुझे टिया से सॉरी बोल, शिवाय को सॉरी बोल। तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए? बोलो कलावती कि तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? मुझे टिया से सॉरी कहना। मेरी वजह से टिया की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी वजह से तू प्यार करने वाले दूर हो गए। मुझे टिया से सॉरी कहना, शिवाय से सॉरी कहना। चल रही है। टी से इसके कमरे में छोड़ आते हैं। मैंने टिया के साथ बहुत गलत किया, मुझे टिया को सॉरी बोलना। अनिका से पीछा छुड़ाना चाहती थी ना, तो इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा।
क्या हुआ? नींद में चल रही थी। लो, इसी की कमी रह गई थी। दिन का चैन तो छीन ही चुकी है लड़की, अब रातों की नींद भी हराम करके छोड़ेगी हमारी। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस बला से। प्लीज, काफी रात हो गई है, आप जाके सो। ये सोने दे तब ना। शुक्र है पुत्र, अनहोनी टल गई है। पुत्र अनिका का ध्यान रख। पकड़ा करो ये पूरे घर। वैसे अच्छा हुआ ये बच गई। ये मर के हमारे उतने काम नहीं आते जितना ये अब आई। अनिका तुम ठीक हो?